दोस्तों साल 2019 में जब बीजेपी शानदार जीत के साथ दोबारा सत्ता में आई तो उसके कैबिनेट में काफी फेरबदल हुए थे। कई नए नाम शामिल किए गए और कुछ बड़े और पुराने नामों को उस लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज भी थी जिन पर सरकार के 5 साल पूरे होने पर कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज जिसने अपने कार्य प्रभारी को रिटेन कर लिया। और इन्हीं विभागों में से एक विभाग का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और इसके पीछे की वजह यही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड के कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने पिछले 5 सालों में बहुत ही प्रभावशाली काम किया था। और बिल्कुल इसी वजह से हम आपको इस वीडियो में नितिन गडकरी की पूरी कहानी बताएंगे कि किस तरह से उनकी अर्ली लाइफ बीती और कैसा रहा उनका पॉलिटिकल सफर। तो नितिन गडकरी के नाम से प्रसिद्ध नितिन जयराम गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माँ का नाम भानुताई जयराम गडकरी और पिता का नाम जयराम रामचंद्र गडकरी है, जिनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और इसकी वजह से नितिन गडकरी को बचपन में शिक्षा और दूसरी जरूरतों की चीजों को पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन संघर्षों से गुजरते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और राष्ट्र संत तुकड़जी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम के साथ साथ LLB की पढ़ाई भी पूरी करी। लेकिन उस वक्त पढ़ाई के साथ साथ नितिन गडकरी पॉलिटिकली और सोशली भी काफी सक्रिय रहने लगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा और ABVP के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी सक्रियता को जारी रखा और इसकी मदद से उन्होंने खुद को एक लीडर के रूप में स्थापित करना शुरू करा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि नितिन गडकरी उन लोगों में से हैं जिनको वाकई में सिस्टम में काम करने के तरीके और कानून की समझ है, और उनकी इसी काबिलियत की वजह से उन्हें एक पार्टी कार्यकर्ता से बढ़कर कुछ कामों के लिए लीडर के रूप में कुछ जिम्मेदारियां दी गई। और इन जिम्मेदारियों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो थी जब खुद महाराष्ट्र BJP के प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा करते हुए नितिन गडकरी को महाराष्ट्र BJP के नए प्रेसिडेंट के रूप में सेलेक्ट किया था। और ना सिर्फ राजनाथ सिंह का बल्कि उस वक्त महाराष्ट्र BJP सरकार के सभी कार्यकर्ता का भी यही मानना था कि गडकरी इस पोस्ट के लिए बेस्ट चॉइस है। इस पद के अलावा नितिन गडकरी को शिवसेना BJP के गठबंधन वाली सरकार में साल 1995 से 99 तक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का भी जिम्मा दिया गया, जिसमें उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया और जनता के सामने एक पब्लिक सर्वेंट के तौर पर जो उनका कर्तव्य था उसको पूर्ण रूप से निभाया। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से काम करते हुए मुंबई में इतने फ्लाईओवर्स बनवाए कि उन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से सम्मानित किया जाने लगा। और अपने ऐसे ही कामों की वजह से उन्होंने ना सिर्फ महाराष्ट्र की जनता को बल्कि भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा को भी प्रभावित किया। और इन्हीं कुछ वजहों के कारण एक वक्त पर वो महाराष्ट्र में BJP की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा हुआ करते थे और कई सालों तक उन्होंने महाराष्ट्र में ऑपोजिशन लीडर की भूमिका भी निभाई थी। नितिन गडकरी की ईमानदार और हार्डवर्किंग छवि की वजह से राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स ने साल 2009 में उन्हें BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना और BJP को और आगे ले जाने का जिम्मा दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना था कि इस पार्टी को नए जनरेशन के लीडर्स की जरूरत है और इसमें सबसे अच्छे विकल्प के रूप में नितिन गडकरी को सिलेक्ट किया गया। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्नति की जो रफ्तार पकड़ी है उस रफ्तार को पकड़ पाना बाकी किसी भी दूसरी पार्टी के लिए असंभव सा है। नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की एक और सबसे बड़ी वजह ये थी कि नितिन गडकरी की आइडियोलॉजी और काम करने का तरीका BJP की आइडियोलॉजी से काफी मिलती जुलती थी। और इसके पीछे की वजह यह है कि नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS नाम की संस्था के सदस्य रह चुके हैं, जिस संस्था की विचारधारा ने ही BJP जैसी पार्टी को जन्म दिया था। साल 2009 में जब नितिन गडकरी को BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो उनके लिए बहुत टफ टास्क था BJP को उस लेवल तक पहुंचा पाना जिसकी मदद से वो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में अच्छा प्रदर्शन कर सके। लेकिन नितिन गडकरी ने अपने विजन को बहुत क्लियर रखा और अपनी पार्टी के लिए पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर काफी फोकस करा। इसके बारे में नितिन गडकरी ने अपनी इंडिया एस्पायर्स नाम की एक किताब में जिक्र भी किया है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद जब उन्हें कुछ BJP राज्य सरकारों द्वारा दबाव का सामना करना पड़ा तब साल 2013 में उन्होंने BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। और ये समय BJP के लिए बहुत मुश्किल से भरा समय भी था, क्योंकि इसके एक साल बाद ही लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था। लेकिन 4 साल में नितिन गडकरी ने वो फ्रेमवर्क तैयार कर लिया था कि आगे आने वाले किसी भी अध्यक्ष को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली थी। और उनके क्लियर विजन की वजह से साल 2014 में BJP को लोकसभा इलेक्शन में जबरदस्त जीत भी मिली और इसी लोकसभा चुनाव में नागपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी विलास भावराव मुटेमवर को 2,85,000 के वोट्स के अंतर से हराते हुए नितिन गडकरी ने भाजपा की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2014 के कैबिनेट में नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर के रूप में देश के लिए काम करने का जिम्मा दिया गया।
और कैबिनेट की इसी मिनिस्ट्री में काम करते हुए नितिन गडकरी ने सरकार को इतना इम्प्रेस किया कि जब साल 2019 में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी तो फिर से नितिन गडकरी को ही इस मिनिस्ट्री का कार्यभार दिया गया था। नितिन गडकरी का यह लक्ष्य है कि 2024 तक 40 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे के 60,000 किलोमीटर का निर्माण देश भर में करना है। इसके अलावा भी सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके काम से नितिन गडकरी ने यह साबित किया है कि कैबिनेट के इस मिनिस्ट्री के लिए नितिन गडकरी सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। इन सभी बातों के अलावा अगर हम बात करें नितिन गडकरी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनकी धर्म पत्नी का नाम कंचन गडकरी है और इनके 3 बच्चे भी हैं। एक प्रभावशाली लीडर होने के साथ साथ नितिन गडकरी एक सफल उद्योगपति भी हैं। इन सब बातों को जानने के बाद एक चीज़ तो बहुत साफ हो जाती है कि नितिन गडकरी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के वो सदस्य हैं जिन्हें लीडरशिप की बखूबी समझ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से ऑटोमोटिव सेक्टर में इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन आने वाला है उसका हिस्सा हमारा देश भी बखूबी बन सकेगा। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।